मैं हाजी गुलजार सदर जर्मन तुलमा हिंद पिपरी चिंचोर शहर, मैं आपको इस बात की खबर देता हूं कि कुल जमाती तंजीम 14 तारीख बरोज शाम को 3 बजे भक्ति शक्ति चौक से अंबेडकर पुतले तक तिरंगा रैली हम लोग निकालने वाले हैं, जिसमें हमारे माननीय जोगिंदर कावड़े साहब और सुषमा ताई इसमें शामिल होने वाले हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और इस प्रोग्राम में हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग रहेंगे और हम NRC, CAA, NPR के विरोध में ये रैली निकाल रहे हैं। और जब तक इस काले कानून को CAA को वापस नहीं लिया जाता, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम जो है ना इसके बारे में बराबर लड़ते रहेंगे और जितने भी हमारे पिपरी चिंचोर शहर की तंजीमें हैं सब इसमें हमारे साथ हैं। हमारे हम वतन भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इसमें हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी रैली बहुत कामयाब रहेगी। ये रैली अंबेडकर पुतले पे आकर के इसके एक सभा का रूप लेगी और वहाँ पर जो है हमारे लोगों के जो है मौके जो लोग हैं उनके भाषण होंगे, उनको हमारे को इससे जो है ना आगाह कराएंगे और आगे का प्रोग्राम रैली रात को 10 बजे तक चलेगी। रैली में कितने लोग आने वाले? रैली में हमारा अंदाजा है कि 10,000 तक लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो झंडा जो है तिरंगा झंडा तुमने जो निकालने वाले, तो कितना फुट कितना लंबा है वो? ये 150 फुट का होगा। 150 फुट। मैं मौलाना मोहम्मद आलिम अंसारी, रुकन कुल जमात तंजीम पिंपरी चिंचोर, पिछले कई दिनों से बेइंतहा खराब चल रही हैं। पूरा मुल्क धरने आंदोलन में बदला हुआ है और हुकूमत सेंट्रल हुकूमत जो है पूरे तरीके से कान बंद करके बैठी हुई है। हर जगह धरना प्रदर्शन चालू है। इसी को अपनी एक संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए कि ये जो CAA बिल है, CAA एक्ट है, ये पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन करके बनाया गया है। हम अपने मुल्क की हिफाजत, अपने संविधान की हिफाजत के लिए अपने कदम उठा रहे हैं। 14 फरवरी बरोज जुमा 3 बजे भक्ति शक्ति चौक से तिरंगा रैली की शुरुआत होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला पिंपरी पर आने के बाद ये सभा में समारोह हो जाएगा इसका, और उसमें मेन वक्ता जोगेंद्र कवाड़े साहब और सुषमाताई अंधारे मैडम ये आने वाले हैं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि संविधान बचाओ समिति के आह्वान पर सभी लोग जो है बड़ी तादाद में संविधान प्रेमी इस तिरंगा रैली में शामिल हो। ये हमारी मुल्की वतनी जिम्मेदारी है। संविधान होगा तो हम रहेंगे, अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे मुल्क का की अखंडता एकता प्रेम ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर संविधान प्रेमी 14 फरवरी को अपनी जिम्मेदारी के साथ 3 बजे भक्ति शक्ति चौक पे आके इस रैली में शामिल हो, तिरंगा रैली। उसमें औरत आने वाले क्या? औरतें नहीं आएंगी, सिर्फ मर्द लोग रहेंगे। कितने संगठना तुम्हारे को कुल मिले के तुम्हारे को पाठिंबा दिया है? 45 संगठना है। उसमें कौन से संगठना प्रमुख है? छावा संगठना है, संभाजी ब्रिगेड है, और अलग अलग संगठनाएं हैं। दलित समाज से हमारे बहुत सारे भाई हैं, सभी संगठनों ने हमें साथ दिया है। दलित और मुस्लिम छोड़ के कौन से संगठन ने आपको ये दिया है? जिसमें अभी सिख भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, पूरी माइनॉरिटीज मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है। हम आ रहे हैं CAA को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आप लोग भी 14 तारीख को तिरंगा रैली में जरूर आइए। नसीब अता फरमा ए अल्लाह, हाजी गुलजार साहब की उम्र दराज अता फरमा, इनकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इसी तरह ए अल्लाह मुखालिफत की मुकालबा करने के लिए ए अल्लाह इनकी हर तरह की अल्लाह तू अल्लाह तवज्जो अता फरमा। ए अल्लाह इनकी हिम्मत अफसाई अता फरमा। ए मौलाए करीम,
हम मुसलमानों को ऐ अल्लाह अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक, हर पंच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक और हिदायत नसीब अता फरमा। मेरी महा बहने जो ऐ अल्लाह तमाम काम والحمد لله رب العالمين.